नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। रुक करते हैं इस वक्त की कुछ खास खबरों का। जम्मू कश्मीर में आए दिन कश्मीरी पंडितों की आतंकवादियों द्वारा की गई हत्याओं के बाद मजबूरन पलायन को लेकर आम आदमी पार्टी ने लखनऊ के कैसरबाग के स्वास्थ्य भवन चौराहे पर विरोध प्रदर्शन किया और आतंकवादियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। लगातार हो रहे हिंसा पर आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन, आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन किया है, विरोध प्रदर्शन किया गया है कश्मीरी पंडितों पर आतंकी हमलों को लेकर के। कैसरबाग के स्वास्थ्य भवन चौराहे पर यह विरोध प्रदर्शन किया गया है। भारी मात्रा में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता इस विरोध प्रदर्शन में मौजूद रहे और उन्होंने कश्मीरी पंडितों पर हो रहे अत्याचार, उनके लगातार जिस तरह की घटनाएं कश्मीरी पंडितों पर हो रही है, उनकी हत्याएं की जा रही हैं, उसके लिए विरोध प्रदर्शन किया गया है। संवाददाता विभांशु उस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विभांशु, आम आदमी पार्टी ने किस तरह का प्रदर्शन किया है कश्मीर में हो रहे दंगों पर? जी सिसला, आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने आज लखनऊ के जिलाधिकारी कार्यालय के पास भारी संख्या में इकट्ठा होकर प्रदर्शन किया है और कश्मीर में हो रहे जो कश्मीरी पंडित और जो कश्मीरी हिंदू हैं उनको टारगेट किलिंग को लेकर आम आदमी पार्टी ने सरकार को से सवाल पूछते हुए सरकार पर सवाल के घेरे खड़ा किया है। आपको बताएं कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से, साथ ही साथ जो आम आदमी पार्टी के बड़े नेता हैं उनके द्वारा ये प्रदर्शन किया जा रहा है और भाजपा सरकार, उनका आरोप लगा है कि भाजपा सरकार के जो दावे हैं वो कहीं ना कहीं फेल होते नजर आ रहे हैं। जहां कहा जा रहा था कि कश्मीर से 370/35A हटने के बाद शांति, अमन, चयन आएगा, मगर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की तरफ से सरकार पर क्वेश्चन मार्क लगाकर सवाल पूछते हुए कहा गया कि आखिर क्या अमन चयन आया 370 हटने के बाद। वही आपको बताएं कि कश्मीर में रहने वाले हिंदुओं को शिकार बनाकर हत्या की जा रही है। आम आदमी पार्टी इसको लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट सख्त कार्रवाई करे, इसको लेकर प्रदर्शन किया गया। इसमें अगर देखा जाए पिछला तो सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे और जब उनका धीरे धीरे ये जो प्रदर्शन था वो उग्र होते गया तो पुलिस वहां डिप्लॉय करके गए, पूरे प्रदर्शन को खत्म कर दिया गया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जहां कहा जा रहा था कि कश्मीर के अंदर में जमीन खरीदना और कश्मीर को जो देखा जाए तो सभी रियासतों को एक जोड़ कर जो भारत का निर्माण हुआ था उसमें कश्मीर को अभिन्न हिस्सा के तौर पे गिना जाता था, तो 35A और 370 हटने के बाद कहीं ना कहीं ये माना जा रहा था कि कश्मीर में अब अमन चयन होगा, उसको लेकर आम आदमी पार्टी आज प्रदर्शन कर रही थी। क्योंकि हाल ही के दिनों में आपने पिछला देखा कि कश्मीर से अभी भी पलायन कहीं ना कहीं रुके नहीं है, पलायन का जो स्तर था उसमें गिरावट भी नहीं आई है, तो कहीं ना कहीं सरकार से सवाल पूछते हुए उन्होंने कहा है कि आप इस पर रोकथाम करें और लगाम लगाएं, जिससे जो कश्मीर है वो भारत का जो अभिन्न हिस्सा के बाद अब उसका हिस्सा गिरा जाता है, तो वहां पे भी आम जो राज्य है वैसे ही वहां भी कानून का स्थापित हो सके, कानून का लोग पालन करे, तो और इन्हीं सब चीजों को लेकर उनके द्वारा प्रदर्शन किया। देखने वाली बात ये होगी कि इस प्रदर्शन के द्वारा सरकार इस पर क्या सोचती है। जी तस्ला, आपका धन्यवाद विभांशु। वही 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती मामले में इलाहाबाद और लखनऊ हाईकोर्ट ने पहले ही रोक लगा दी है। कोर्ट ने 19,000 पदों में आरक्षित वर्ग के 7800 सीटों दिए जाने पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा है कि 69,000 पदों के अतिरिक्त किसी भी पद पर नियुक्ति हो, इसी के साथ गैर विज्ञापित रिक्तियों को न भरा जाए। इस मामले में 6 जुलाई को इलाहाबाद हाईकोर्ट में मुख्य सचिव और प्रमुख बेसिक शिक्षा सचिव पेश होंगे। बहुचर्चित 69,000 शिक्षक भर्ती में ओबीसी को 27% की जगह पे 3.6%, वहीं एससी वर्ग को 21% की जगह पे 16.6% आरक्षण देकर के सरकार हाईकोर्ट लखनऊ बेंच और इलाहाबाद बेंच में बुरी तरीके से फंस गई है। इसी से निजात पाने के लिए सरकार ने 5 जनवरी 2022 को 6800 की चयन सूची या कहते हुए जारी की कि इसमें आरक्षण नियमों की अनदेखी हुई है। वहीं पर हम आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का कहना है कि आरक्षण नियमों की अनदेखी करते हुए सरकार ने लगभग 19,000 मेधावी अभ्यर्थियों का आरक्षित वर्ग के गला घोटा। मुरादाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है, जहां मुठभेड़ के दौरान दो बदमाशों के पैर में गोली लगी है। बदमाशों को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया है। दोनों अपराधी लूट और गोकशी की घटनाओं में वांछित हैं। पुलिस ने बदमाशों के पास से भारी मात्रा में हथियार बरामद किया है। मौके से बदमाशों का एक साथी फरार हो गया है। बता दें कि मुंडा पांडे थाना क्षेत्र में मुठभेड़ हुई है।
ये थाना मोड़ा पांडे क्षेत्र में खेड़ा गांव पड़ता है, उसके पास आउटर में आज सुबह हमारी ये पुलिस पार्टी वहाँ से जा रही थी, चेकिंग हो रही थी चौराहे पर, तो सामने से आते हुए दो बदमाश पुलिस को देखे भागे, पुलिस ने उनको रोका, उनका पीछा किया तो आगे खेत की तरफ जाके मुड़ गए। जब वो पुलिस उनके पीछे गई तो मोटरसाइकिल उनकी जो गिर गई वहाँ पर, उसी वक्त उन्होंने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। इधर से पुलिस की जवाबी फायरिंग हुई है जिसमें ये तीन बदमाश थे, उसमें से दो बदमाश इंजर्ड हुए, एक मौके से फरार हो गए। एडिशनल एसपी धनंजय सिंह कुशवाहा को मुस्लिम समुदाय के लोगों ने ज्ञापन सौंपा। दरअसल पैगंबर मोहम्मद पर अभद्र टिप्पणी करने पर भाजपा नेता नुपुर शर्मा के खिलाफ ज्ञापन सौंपा गया है। आपको बता दें कि भाजपा नेता ने एक टीवी चैनल पर डिबेट के दौरान पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी की थी। हमने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एटा को बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा, जो टाइम्स नाउ इंडिया चैनल है, उस पर डिबीट में हमारे पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारी माँ आयशा के ख़िलाफ़ जो टिप्पणी उनने गलत करी है, उनके खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई मुकदमा दर्ज कराना चाहते हैं और उन्हें जेल भिजवाने के लिए हमारी मस्जिद के सभी इमाम ज़्यादातर आए हैं, हाजी लोग हैं। हमें एटा जनपद के आला अधिकारियों पर पूरा भरोसा, कानूनी कार्रवाई करेंगे, मुकदमा दर्ज करके और जेल भिजवाने का काम करेंगे। सिद्धार्थनगर से एक भ्रष्टाचार कार की खबर सामने आई है, जहां 10 मई को इसी गांव में पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और वर्तमान भाजपा विधायक जय प्रताप सिंह ने सरकार की महत्वाकांक्षी योजना अमृत सरोवर का शिलान्यास किया था। आपको बता दें कि बलुआ गांव के अमृत सरोवर योजना में मशीन लगाकर काम करवाया जा रहा है, जिससे मनरेगा मजदूर काफी परेशान भी है। ये प्रकरण आपके द्वारा अभी संज्ञान में लाया जा रहा है, हम वहाँ जांच अभी भेज रहे हैं टीम को, अगर कोई ऐसी बात होगी तो इस संबंधित के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी, इसमें कोई ढिलाई या गलतियां बर्दाश्त नहीं की जाएगी। खबर बुलंदशहर से है, जो अलीगढ़ जिले में एक न्यूज चैनल के पत्रकार पर हमले को लेकर जमकर प्रदर्शन किया गया। वहीं घटना में शामिल सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की गई, साथ ही कस्बा औरंगाबाद के सभी पत्रकारों ने थाना औरंगाबाद के परिसर में प्रदर्शन किया और थाना अध्यक्ष प्रताप सिंह को राज्यपाल के नाम का ज्ञापन सौंपा गया। दरअसल अलीगढ़ में भारत समाचार के पत्रकार है मुकेश गुप्ता जी, जिनके ऊपर प्राणघातक हमला किया गया है, उसी के उपलक्ष्य में आज समस्त कस्बा क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र से पत्रकार बंधु थाना औरंगाबाद पर एकत्रित हुए हैं और थानाध्यक्ष महोदय औरंगाबाद को राज्यपाल महामहिम को संबोधित एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें मांग की गई है कि पत्रकार पर हमले के आरोपों को शीघ्र गिरफ्तार किया जाए, कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए और पत्रकार कानून सुरक्षा एक्ट लागू किया, जिससे पत्रकार निष्पक्ष होकर अपनी कलम की धार से सच्चाई दिखा सके। शहर में कश्मीरी पंडितों के पलायन पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने धरना दिया। कलेक्ट्रेट के गेट पर धरना देकर कार्यकर्ताओं ने सरकार विरोधी नारेबाजी की है। वहीं कश्मीरी पंडितों के पलायन पर रोक लगाने की मांग को लेकर आप कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। कश्मीर में ताजा हालातों पर आपके प्रदेश उपाध्यक्ष विकास शर्मा ने केंद्र सरकार को जमकर घेरा। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने रोड पर प्रदर्शन करने के बाद बुलंदशहर कलेक्ट्रेट गेट पर धरना दिया। प्रोग्राम कश्मीर में जो हालात बने हुए हैं, जिस पर टारगेट किलिंग हो रही है, जो कश्मीरियों को विस्थापितों को स्थापित करने के नाम पर भेजा गया, उन पर आतंकवादी चुन चुन कर हमला कर रहे हैं और ये वारदातें लगातार बढ़ती जा रही है। एक एक दिन में तीन तीन चार चार लोगों को टारगेट किलिंग की जा रही है, उसके बावजूद भी केंद्र सरकार की कान पर जू नहीं रेंग रही है। हद तो इस बात की है कि गृहमंत्री फिल्म के प्रमोशन में जुटे हुए हैं और कश्मीर में हत्या राहुल भट्ट की हो जाती है, वहाँ उनको फुर्सत नहीं है कि कश्मीर में पहुंचकर वहाँ के हालात का जायजा लें।
खबर एटा जिले से है, जहां जिले में तैनात ग्राम विकास अधिकारी एक महिला आरक्षी के साथ कार में पकड़ा गया। बता दें कि ग्राम विकास अधिकारी की पत्नी ने परिजन के सहयोग से दोनों को पकड़ा। इस दौरान घटनास्थल से लेकर कोतवाली देहात तक करीब एक घंटे हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। आरक्षी पर सेक्स रैकेट चलाने और दबाव बनाने के आरोप लगाए गए हैं। बीते दिन सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी वायरल हुआ। इसमें कासगंज रोड पर उत्तर प्रदेश सरकार लिखी हुई एक कार में एक युवक युवती बैठे हुए थे। मौके पर युवक की पत्नी जा पहुंची और अपने परिजन को भी बुला लिया। पति के एक विकास खंड में ग्राम विकास अधिकारी के रूप में तैनात बताया, वहीं उसके साथ कार में बैठी युवती को महिला आरक्षी बताया। मेरे पति, मेरी शादी 9 फरवरी को अभिषेक उपाध्याय से हुई थी, जो कि ग्राम विकास अधिकारी हैं जयथरा में। कितने दिन पहले? 9 फरवरी को, 3 महीने पहले लगभग। जी, जब मेरी शादी हुई थी तब हमें लगा सब ठीक है, बट शादी के बाद पता चला उनका एक एक्स्ट्रा अफेयर चल रहा है, और एक नहीं एक से ज्यादा अफेयर चल रहे हैं। कल वो उस लड़की के संग आपत्तिजनक स्थिति में पाए गए। कौन लड़की थी? उसका नाम दीक्षा है, वो राजेश पाराशर अवागढ़ हाउस में उनकी लड़की है, और वो इलाहाबाद कप्तानगंज में कांस्टेबल है। मेरी बेटी की शादी ये 9 फरवरी को जी, ये अभिषेक उपाध्याय पुत्र श्री राम प्रकाश उपाध्याय निवासी बापूनगर सुखावर रोड के साथ में हुई थी जी, जिसके जिनको मैंने एक लगभग 20-25 लाख रुपए खर्च करके शादी की है जी। इसके बाद ये उसमें गाड़ी की डिमांड और कर रहे हैं। फिरोजाबाद के एनएस हॉस्पिटल में डॉक्टरों की मनमानी से मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि बाज टूटने के बाद एक युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां ऑपरेशन के नाम पर डॉक्टरों ने पीड़ित के परिजनों से पैसों की डिमांड की। वहीं जब परिजनों ने पैसा देने से इनकार किया तो डॉक्टर ने मरीज को ऐसा इंजेक्शन दिया जिससे मरीज को इन्फेक्शन होना शुरू हो गया और उसे एनएस हॉस्पिटल से आगरा के लिए रेफर कर दिया गया। ये मामला हुआ है कि मैं यहाँ से 9 तारीख को आई हूँ, 9 मई को, जब से ये वाला टेस्ट, बोर्ड टेस्ट, यहाँ पे भी टेस्ट कराए, बाहर से भी टेस्ट कराए, उसके बाद में सारे टेस्ट होने के बाद में कम से कम 6-7 बार तो भूखे रहिए, कल सुबह ऑपरेशन होगा कि फिर अब नंबर नहीं आया है। अब नंबर आया भी है तो बेहोशी नहीं है। बेहोशी के बाद मैंने बात की डॉक्टर से तो वो ये बोल रहे हैं कि उन्हें बेहोशी नहीं। मैंने उन्हें बताया भी कि उन्हें लेट से बेहोशी आई है, लेकिन उन्होंने ये बोल दिया ऐसे हम नहीं मानते। तो एक उसमें मैम थी तो वो ही कह रही कि ऐसा नहीं होगा, बेड नहीं होता यहाँ। 30,000-25,000 रुपए मांग रहे हैं। कौन मांग रहा है? डॉक्टर साहब। कौन से हॉस्पिटल में? जे एनएस के फिरोजाबाद। एनएस फिरोजाबाद में। और क्या मामला हुआ था, मतलब कि 6 तारीख को आए थे आप यहाँ भर्ती होने? कह दिया आगरा के लिए आप जाए, यहाँ कोई बेहोशी का डॉक्टर नहीं है। पैसा कौन मांग रहा था? बेहोशी डॉक्टर है और विपिन अग्रवाल। दिल्ली के आदर्श नगर थाने इलाके में आजादपुर गांव में एक युवक को नशापूर्ति की लत के लिए पैसे उधार मांगना महंगा पड़ गया। युवक की बेरहमी से पीट कर हत्या कर दी गई, जिसका दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है। दो लड़के पीड़ित को पीटते हुए नजर आए, आरोपी वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना आदर्श नगर पुलिस को दी गई। पुलिस ने कार्रवाई शुरू करते हुए बताया कि गंभीर हालत में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। अब तक की खास खबरों में इतना ही। देश दुनिया की और ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।